दोस्तों, अब हम बात करते हैं DWDM के बारे में। DWDM एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर वेवलेंथ की मल्टीप्लेक्सिंग की जाती है। DWDM की जानकारी लेने से पहले हमें कुछ जानकारी मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में भी होनी चाहिए। मल्टीप्लेक्सिंग जो DWDM से पहले का सिस्टम था, चाहे वो SDH, PDH, SDH एक ही चीज होती है। PDH रहता है प्लेजिक्रोनस डिजिटल हायरार्की, SDH रहता है सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की। पहले मैं आपको थोड़ा सा पीडीएच और एसडीएच के बारे में क्लियर कर दूं। पीडीएच एक ऐसा सिस्टम है जो कि सिंक्रोनस सिस्टम नहीं होता है, ए सिंक्रोनस सिस्टम है। प्लेजिक्रोनस डिजिटल हायरार्की का मतलब यही है। पीडीएच के अंदर जब डिसएडवांटेज आए, उसके बाद में एसडीएच सिस्टम आया। एसडीएच का मतलब होता है सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की, यानी कि किसी भी सिस्टम के लिए उसकी अपनी एक क्लॉक होती है। जब कोई भी क्लॉक सिग्नल जब तक सिंक्रोनस नहीं होगा, तब तक दूसरे एंड पर जो सिग्नल पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ सिग्नल के अंदर डिफरेंस आ जाएगा या सिग्नल प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा। तो एसडीएच पीडीएच के अंदर दोनों सिस्टम टीडीएम पे काम करते थे, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पे। टीडीएम का मतलब होता है, मल्टीप्लेक्सिंग की बात कर रहे हैं आपसे डब्ल्यूडीएम से पहले, टीडीएम का मतलब है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है कि हर एक सिग्नल को एक एक टाइम स्लॉट अलॉट किया जाता है। उस टाइम स्लॉट के अंदर वो सिग्नल जाता है, सिग्नल जाने के बाद जब नेक्स्ट सिग्नल आता है वो नेक्स्ट टाइम स्लॉट के अंदर आएगा। इसके बाद एक FDM भी रहा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का मीन्स ये होता है कि कोई भी सिग्नल है, जो भी सिग्नल आ रहा है, हर एक सिग्नल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलॉट की जाती है, उसे कहा जाता है FDM। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रहेगी। TDM के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट अलॉट किए जाते हैं, कि जैसे टाइम स्लॉट से मतलब है कि स्टार्टिंग के 5 सेकंड के अंदर ये सिग्नल जाएगा, नेक्स्ट 5 के अंदर ये जाएगा। वन बाई वन हर एक सिग्नल को अपना अपना टाइम अलॉट किया जाता है। यदि किसी उस टाइम स्लॉट के अंदर सिग्नल नहीं है, जो इसका डिसएडवांटेज था टीडीएम का, यदि उसके पास सिग्नल नहीं है तो वो स्लॉट खाली जाएगा। तो टीडीएम टेक्नोलॉजी मल्टीप्लेक्सिंग के ऊपर हमारा सोनेट भी काम करता था, एसडीएच भी काम करता है, पीडीएच भी काम करता है। अब ये रहा कि एसडीएच पीडीएच के अंदर जो मैक्सिमम डेटा भेजने की स्पीड थी वो 10G थी। 10G का मतलब ये होता है कि 10 GB/s। 1G का मतलब है 1 GB/s। 1 सेकंड के अंदर हम 1 GB डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब हमें डेटा की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ी, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे ज्यादा डेटा की आवश्यकता है। हर जगह डेटा की स्पीड हमें हाई चाहिए। हर आदमी चाहता है कि मैं HD पे बात करूं, HD पे कम्युनिकेशन करूं, मोबाइल पे, टीवी पे, जो भी सिग्नल है। धीरे धीरे हर घर तक इंटरनेट पहुंच चुका है, हर घर तक पीसी है, पीसी पे इंटरनेट की आवश्यकता है। बच्चों की चाहे ऑनलाइन क्लासेज हो, चाहे ऑफिसेज हो, इन सबको देखते हुए डेटा की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल की जाएगी। अगर 1G तक डेटा था तब तक ठीक था, 10G तक आया तब तक भी ठीक था, SDH PDH अच्छे तक काम कर रहे थे। परंतु 10G से ज्यादा सिस्टम प्रैक्टिकली होता क्या है कि जो भी हम SDH से डेटा भेज रहे हैं वो फाइबर पे जा रहा है। फाइबर पे जो आपने सिग्नल भेजा 10G का डेटा, यानी कि आपने SFP की बात की, हमने SFP पे जो हमारा सिग्नल है इलेक्ट्रिकल से ऑप्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है। वापिस दूसरे एंड पे जाएंगे तो ऑप्टिकल से सिग्नल वापिस इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा। अब यदि हम 10G से डेटा ज्यादा भेज रहे हैं, 10G से ज्यादा डेटा भेजने का ये मतलब हुआ कि 10G का मतलब ये हुआ कि 10 GB/s जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग सिस्टम भी हमारा वैसा ही होना चाहिए, कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होना चाहिए कि जो इतनी GB/s जो है उसको रीड भी करे और वापस कन्वर्ट भी करे, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ऑप्टिकल में भी कन्वर्ट करे और ऑप्टिकल से इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट करे। एसडीएस पीडीएस स्टेशन के अंदर मान लीजिए 40 किलोमीटर के ऊपर एसडीएस पीडीएस सिस्टम लगे रहते थे, तो बीच में हमें रीजनरेटर भी लगाने पड़ते थे। रीजनरेटर का काम यही होता था, जिसे हम ऑप्टिकल एम्पलीफायर भी कहते हैं। ऑप्टिकल एम्पलीफायर में जो रीजनरेटर होता है उसका काम यही होता था कि वो सिग्नल जब पहले उसके पास आता था वो ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता था, फिर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता था, फिर पुनः उसको इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट करता था। इसमें टाइम भी लगता था और सर्किट भी इतने हाईफाई चाहिए होते थे कि 10G के डेटा को इजीली वो रीड कर पाए, दूसरे एंड तक प्रॉपर सिग्नल पहुंच पाए। इसमें डिस्पर्शन भी बढ़ता था, क्योंकि जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर है इसमें डिस्पर्शन की भी प्रॉब्लम रहती है, जिसे हम एटेन्यूएशन कहते हैं, या हमारी PLCC की लैंग्वेज में उसे हम नॉइज भी कहते हैं। ऑप्टिकल का एटेन्यूएशन बढ़ने से या डिस्पर्शन बढ़ने से सिग्नल प्रॉपर उस एंड तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि ड्यू टू इलेक्ट्रिकल रीजन, सम इलेक्ट्रॉनिक रीजन थे जिसमें
सर्किट हमें पूरे प्रॉपर नहीं मिल पा रहे थे 10G से ज्यादा स्पीड पे जाने पे, या डिस्पर्शन की प्रॉब्लम थी फाइबर के अंदर, या मान लीजिए 10G से अधिक जाने के बाद में जो डिस्पर्शन हो रहा था, डिस्पर्शन भी दो टाइप का रहता है, पोलराइजेशन और नॉन पोलराइजेशन रहता है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कि 10G का सिग्नल है, 10G से ऊपर नहीं जाएंगे, पर ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए कि जिससे इस 10G के डेटा को मल्टीपल सिग्नल के फॉर्म में लेकर जाया जा सके, तो इसके लिए हमने इंट्रोड्यूस हुआ है WDM। WDM है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का मोटा उद्देश्य यही होता है कि किसी भी एक 10G के सिग्नल को एक वेवलेंथ अलॉट कर दी जाएगी। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। वेवलेंथ एक 10G के डेटा को अगर आपने दे दी, दूसरा सिग्नल आया उसको दूसरी वेवलेंथ दे दी, तीसरा सिग्नल आया उसको तीसरी वेवलेंथ दे दी, जो हमारे RVPN में सिस्टम लगा गया है, जो भी हमारे DWDM लगे हैं, जो DWDM हमारे RVPN में इंस्टॉल किए गए हैं उसमें दो कार्ड है। टोटल एक DWDM के अंदर 88 लैम्डा का प्रोविजन है, सिस्को द्वारा जो हमें DWDM दिए गए हैं। इसमें दो कार्ड रहते हैं, एक कार्ड में 40 लैम्डा है, दूसरे कार्ड में 48 लैम्डा है। हम इसमें 1550 वेवलेंथ यूज कर रहे हैं। वेवलेंथ नैनोमीटर में मेजर की जाती है। एक वेवलेंथ से दूसरी वेवलेंथ में DWDM जो यूज करेंगे, जिसे हम डेंस WDM, डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, एक वेवलेंथ से दूसरी वेवलेंथ के बीच में 0.8 नैनोमीटर का डिफरेंस होता है। हालांकि इसमें DWDM आने से पहले एक CWDM भी था, कोर्स वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। कोर्स में जो दो वेवलेंथ थी उनके बीच में लगभग 2 नैनोमीटर का डिफरेंस था, परंतु DWDM टेक्निक ज्यादा अच्छी हो पाई। इसके पीछे कारण ये रहा कि CWDM के अंदर हम ज्यादा बैंडविड्थ के अंदर कम सिग्नल भेज पा रहे थे, क्योंकि एक वेवलेंथ से दूसरी वेवलेंथ के बीच में 2 नैनोमीटर का डिफरेंस था, परंतु DWDM के अंदर एक वेवलेंथ से दूसरी वेवलेंथ के बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है, 0.8 नैनोमीटर का है। तो आप यूं कहें कि अगर एक किसी बैंडविड्थ के अंदर हमें यदि अधिक सिग्नल भेजने हैं, ज्यादा लैम्डा भेजने हैं, तो उसके बीच का जो गैप कम कर दिया गया, जो कि DWDM में ही पॉसिबल है, उससे हम ज्यादा सिग्नल आसानी से भेज सकते हैं। अब DWDM किस प्रॉपर्टी पे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में हम देखते हैं। आप देखिए पीछे एक पिक्चर दिखाई गई है, फोटो दिखाई गई है। DWDM बेसिकली जो हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, फिजिक्स का थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा हमें। रिफ्रैक्शन का एक फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब कोई लाइट, एक सिंगल लाइट जब किसी प्रिज्म पे पड़ती है, किसी कांच पे पड़ती है, कांच पे गिरती है, तो उसके अंदर 7 रंगों का वो लाइट मिलकर के बनी हुई होती है। तो आपने इस चीज को महसूस भी किया होगा और हमने फिजिक्स में पढ़ा भी है। तो इसको हम ये समझते हैं कि सबसे पहले देखिए मीडिया क्या होते हैं। मीडिया जिसमें से हमारा सिग्नल ट्रेवल करेगा, मीडिया दो तीन टाइप के रहते हैं। जैसे हमारा एक सिंपल हवा है, वो मीडिया है, किसी भी सिग्नल को ट्रेवल करने में आसानी होगी। पानी है, उसमें से भी सिग्नल जा सकता है। कांच है, उसमें से भी लाइट मीडिया से मेरा सिग्नल से मेरा मतलब है लाइट से। लाइट पानी में से भी निकल जाएगी, कांच में से भी निकल जाएगी, हवा में से भी जा रही है, परंतु अगर आप लाइट को लकड़ी पे डालेंगे या लोहे पे डालेंगे तो उसमें से पास नहीं हो पाएगी। तो जो इस लाइट को पास करने के लिए जो मीडिया यूज किए जा रहे हैं, ये मीडिया अलग अलग टाइप के हैं। पहला जैसे मीडिया होता है, एक तो होता है लाइट मीडिया, एक होता है डेंस मीडिया। लाइट जो है, लाइट मीडिया से मतलब मेरा ये हो गया कि डेंस मीडिया के कंपैरिजन में हल्का मीडिया। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि यदि मैं किसी एक लाइट को किसी कांच पे डालता हूं, कांच की फॉर्म में मैंने ले लिया प्रिज्म, प्रिज्म के ऊपर डालने के लिए आपके पीछे देखिए एक फोटो दिख रही है। इसमें कांच पे हम जब लाइट को डाला जाता है तो रिफ्रैक्शन का एक रूल होता है कि जब लाइट प्रिज्म पे डाली जाती है तो जब प्रिज्म के अंदर जाने के बाद में लाइट अपनी उसी डायरेक्शन में जानी चाहिए, नियमानुसार उसी डायरेक्शन में जानी चाहिए, परंतु रिफ्रेक्शन का ये रूल है कि जब लाइट इस प्रिज्म के अंदर एंटर करेगी तो वो अपने परपेंडिकुलर की तरफ झुक जाएगी। कोई भी लाइट जब प्रिज्म पे डाली जाएगी, वो प्रिज्म के अंदर जाने के बाद रिफ्रेक्शन की बात अगर नहीं करते तो लाइट को सीधे ही पास हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि अपने परपेंडिकुलर से ये लाइट अपनी तरफ आ जाती है, यानी कि उससे दूर नहीं जाती है। और इसका जस्ट उल्टा होता है कि जब डेंस मीडिया से लाइट मीडिया के अंदर लाइट जाती है, डेंस मीडिया से लाइट मीडिया के अंदर जब लाइट जाती है तो वो अपने परपेंडिकुलर से दूर हट जाती है। कोई भी ये रिफ्रैक्शन का रूल है कि यदि हम लाइट मीडिया से डेंस मीडिया के अंदर लाइट को प्रवेश करवाते हैं, लाइट को डालते हैं, तो
तो वो अपने परपेंडिकुलर की तरफ झुक जाती है, और जब डेंस मीडिया से लाइट मीडिया की तरफ जाती है तो अपने परपेंडिकुलर से वो दूर हट जाती है। अब इस दूर हटने से और पास आने से एक क्रिटिकल एंगल बनता है जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसको बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। आप ये जानते हैं कि जब लाइट एक प्रिज्म में एंटर की तो उसकी प्रॉपर्टी तो चेंज हो ही रही है, प्रॉपर्टी के साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है, प्रॉपर्टी के साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है। प्रॉपर्टी में जो चेंज होगा, एक लाइट से सात लाइट बन गई मान लीजिए, अब हर लाइट के अलग अलग कलर्स रहेंगे, हर कलर का अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी तो अपनी अपनी वेवलेंथ होगी। लाइट के बारे में जो अपन बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा अपग्रेड कर दूं कि ये सबसे पहले न्यूटन के द्वारा ही किया गया था। न्यूटन के द्वारा ये देखा गया कि जब लाइट को प्रिज्म पे डाला गया, उसी तरफ देखा गया तो सात लाइट उनको दिखी, जिसको हम विबगोयर बोलते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, वॉयलेट, इस टाइप के कलर का जो भी रेफरेंस रहता है। ये रेनबो जो बारिश के दिनों में रेनबो बनता है, उसके पीछे भी यही फंडा होता है, क्योंकि बारिश होने के बाद में जब एटमोस्फियर के अंदर वाटर आउट ड्रॉपलेट रह जाते हैं, उस वाटर ड्रॉपलेट के जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर जब सूर्य की लाइट गिरती है, सनलाइट गिरने के बाद में वो रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले से एक आर्क टाइप का रेनबो बनता है, और उस रेनबो के अंदर वही सात कलर होते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, लैम्डा की, जो हमारा वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे प्रिज्म पे जो लाइट डाली गई है उससे डिफरेंट डिफरेंट जो सात लाइट हमें मिली, यानी कि अलग अलग वेवलेंथ के सिग्नल हमें मिले हैं। इस वेवलेंथ के सिग्नल को एक वेवलेंथ हम मान के चल रहे हैं कि जो हमें STM-1 का डेटा, STM के बारे में भी हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कशन करेंगे कि STM-1 क्या होता है, सिंक्रोनस टाइम मॉड्यूल, STM-1, STM-64। STM-1 के अंदर 155 MBPS का डेटा रहता है, एक STM जो होता है, एक STM का मतलब होता है 155 MBPS। अगर हम STM-64 यूज करते हैं तो हमारा जो SDH PDH में जो जनरली यूज करते थे, STM-64 तक सिग्नल हमारा जाता था। STM-64 का मतलब होता है 10 GBPS, यानी कि 10 GB/s, उसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बात यही है कि SDH PDH से जो डेटा भेजा जा रहा था 40 किलोमीटर के बाद में इसमें रिपीटर स्टेशन बनाना पड़ रहा था। रिपीटर का मतलब होता है रीजनरेशन स्टेशन, या रीजनरेशन वर्ड यूज किया जाएगा कि उसमें एम्पलीफायर लगाना, ऑप्टिकल एम्पलीफायर लगाए जाएंगे। ऑप्टिकल एम्पलीफायर का मतलब ये होता है कि सिग्नल को एम्पलीफाई करना। सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए जो ऑप्टिकल सिग्नल हमारे पास उस एम्पलीफायर में आया, उसको हम सबसे पहले इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे, फिर वापस ऑप्टिकल में कन्वर्ट करेंगे और सिग्नल पहुंचेगा। मान लीजिए कि एक सिग्नल हमें बीकानेर से या सूरतगढ़ से जयपुर भेजना है, जिसकी डिस्टेंस मान लीजिए 500 किलोमीटर है। सूरतगढ़ से जयपुर 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हमें सिग्नल भेजना है, फाइबर की लेंथ 500 किलोमीटर है, तो इसके अंदर कम से कम हमें 10 रीजनरेटर यानी कि 10 पावर एम्पलीफायर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 40 किलोमीटर के बाद में अप्रोक्सीमेटली आइडिया लगाया जाता है कि 40 से 50 किलोमीटर के बाद में सिग्नल को एम्पलीफाई करना जरूरी है, अन्यथा सिग्नल दूसरे एंड पर पहुंच ही नहीं पाएगा। माइक्रोवेव में भी आपने देखा होगा, जो पुराने लोग हैं उनको आइडिया है, माइक्रोवेव में सेम टेक्नोलॉजी होती थी कि किसी स्टेशन को रतनगढ़ से कोई सिग्नल चला, जो आज से 2010 से पहले की बात करते हैं, कि माइक्रोवेव सिग्नल में भी यही था कि मान लीजिए कि एक रतनगढ़ से सिग्नल चला और उससे हीरापुरा जयपुर तक पहुंचना है, तो जयपुर तक पहुंचने के लिए सिग्नल नहीं पहुंच पाता था रतनगढ़ का, तो रतनगढ़ से 30 किलोमीटर निकलने के बाद में फतेहपुर के ऊपर माइक्रोवेव स्टेशन, रिपीटर स्टेशन बनाया गया। फतेहपुर से निकलने के बाद में नेक्स्ट स्टेशन सीकर में बनाया गया, सीकर से निकलने के बाद पलसाना बनाया गया, पलसाना के बाद चोमू में बनाया गया, चोमू के बाद हीरापुरा बनाया गया। तो पूरी जियोग्राफिकल पोजिशन को देखते हुए माइक्रोवेव स्टेशन के रिपीटर स्टेशन बनते थे। उसी टाइप से SDH PDH के अंदर भी हमें पावर एम्पलीफाई करने के लिए रीजनरेटर स्टेशन बनाने पड़ेंगे। अब ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया कि यदि SDH के अंदर इतना लगाएंगे तो बहुत एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंडिचर के साथ साथ में जो सबसे नुकसानदायक चीज थी, टाइम, कि अगर हमारा सिग्नल इधर से चला और बीच में 10 एम्पलीफायर लगे हैं, 10 बार वो सिग्नल हमारा ऑप्टिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रिकल से वापस ऑप्टिकल में कन्वर्ट होगा, तो ये व्यवस्था सूटेबल नहीं थी SDH PDH में। उस चीज को लेकर के DWDM के अंदर ये बहुत अच्छी व्यवस्था है कि DWDM लगभग 120 किलोमीटर तक फर्स्ट क्लास काम करता है। जो DWDM 120 किलोमीटर तक काम करेगा जिस वेवलेंथ के ऊपर, उसमें चाहे 10G के आपने 10 डेटा डाल दिए, 20 डेटा डाल दिए, वो सारे के सारे डेटा 120 किलोमीटर तक जाएंगे और नेक्स्ट प्रिज्म के द्वारा उसको वापिस डाल, उसी लाइट को डाल करके हम उसको डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा एंड स्टेशन पर वापिस मिल सकते हैं हमें। परंतु यदि हमें इसको भी लंबी दूरी तक काम कराना है, इस लैम्डा को,
यदि मान लीजिए सूरतगढ़ से जो लैम्डा चला उसे डायरेक्ट जयपुर तक ही पहुंचाना है, 500 किलोमीटर की डालना है, तो इसके लिए जो ऑप्टिकल एम्पलीफायर लगाए जाते हैं उन्हें ऑप्टिकल एम्पलीफायर न बोल करके उन्हें बोला जाता है ईडीएफ, उन्हें बोला जाता है ईडीएफ, इरिबियम ड्रॉप्ड फाइबर ऑप्टिकल एम्पलीफायर। ये अपने आप में एक एम्पलीफायर तो है, परंतु इसके अंदर सबसे बड़ी जो खासियत रही रहती है ईडीएफ के अंदर कि ये किसी आने वाले सिग्नल को वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं करता है। मान लीजिए 120 किलोमीटर पे आपने ईडीएफ लगा दिया, वो ईडीएफ सिग्नल जो होगा, ईडीएफ जो सिग्नल आएगा उसके अंदर, वो सिग्नल के मान लीजिए उसमें 50 लैम्डा आ रहे हैं, 50 लैम्डा का मतलब यह है कि एक लैम्डा के अंदर यदि आपका 10 GB डेटा है तो यानी कि आप लगभग 50 लैम्डा के अंदर 500 GB का डेटा लेके चल रहे हैं। उस लैम्डा को एज इट इज ये ईडीएफ क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा। ये एम्पलीफाई करने के बाद में ये सिग्नल, ये ईबीएफ से जो सिग्नल हमारा, ईडीएफ से जो हमारा सिग्नल एम्पलीफाई होगा, वो सिग्नल आप, ये माना जाता है कि ये टेक्नोलॉजी कहती है कि यदि TWDM का यूज किया जाए तो 4000 किलोमीटर तक इस वेवलेंथ को, इस लैम्डा को हम ट्रेवल करवा सकते हैं ईडीएफ की मदद लेते हुए। तो ये अपने आप में, इसको आप ऑप्टिकल एम्पलीफायर कहें, चाहे आप इसको इरिबियम ड्रॉप एम्पलीफायर कहें, कुछ भी कह सकते हैं, ईडीएफ बेसिकली इसका मतलब है, इरिबियम ड्रॉप्ड फाइबर एम्पलीफायर। अब इसका जो बेसिक ये रहता है कि फाइबर के एम्पलीफायर के अंदर लाइट है, लाइट को आपको एम्पलीफाई करना है, चाहे वो 50 लैम्डा है चाहे वो 60 लैम्डा है, उन सबको एम्पलीफाई करना है। इसके साथ ही हुआ कि इस एम्पलीफायर को यूज करने से जो एसटीएच पीडीएस सिस्टम था उसके कंपैरिजन में हमारा सिस्टम 50% तक चीपर हो गया, कॉस्ट भी बच गई। ओपीजीडब्ल्यू की वही कॉस्ट लगनी है, परंतु जो सिस्टम में, जो ट्रांसमिशन सिस्टम में कॉस्ट लगनी थी, उस कॉस्ट को हमने इस ईडीएफ के थ्रू बचा लिया। इसी के DWDM के साथ एक टेक्नोलॉजी है, DWDM जहां लग रहे हैं बीच में हम OEDM लगा रहे हैं, वो OEDM का ही यही मतलब है, एड एंड ड्रॉप फैसिलिटी। SDH PDH में ये होता था कि मान लीजिए कोई सिग्नल सूरतगढ़ से चला और मान लीजिए नियरेस्ट स्टेशन जो भी 100 किलोमीटर पे मान लीजिए रतनगढ़ है या बीकानेर है, बीकानेर तक जो सिग्नल जा रहा है, यदि बीच में उस सिग्नल को उतारना होता तो SDH PDH में संभव नहीं होता था, वापिस SDH PDH ही लगाने पड़ते थे। SDH PDH उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल में, ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते थे, इलेक्ट्रिकल को वापिस ऑप्टिकल में, जो सिग्नल आपको चाहिए उसको वापिस उतार, परंतु DWDM के अंदर इस टाइप का कोई भी रिस्क नहीं रहता है, इसमें एड एंड ड्रॉप फैसिलिटी रहती है जिसे हम OEDM कहते हैं। OEDM को आपने बीच के सर्किट में लगाया, जो लैम्डा आपको वहां उतारने, वो आसानी से आप उन लैम्डा को वहां उतार सकते हैं, उस लैम्डा के ऊपर प्रोसेस किया जा सकता है और बाकी के लैम्डा आगे के रूट से देखते हुए आप आगे उनको भेज सकते हैं। इसके साथ ही हम STM-1, STM-4, STM-16, STM-64 क्या होता है, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि STM क्या चीज है। STM का मतलब है सिंक्रोनस टाइम मॉड्यूल। सिंक्रोनस टाइम मॉड्यूल के बारे में मैं आप थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूंगा कि SDH के अंदर जो STM-1 का डेटा है 155 MBPS का डेटा, 155 MBPS डेटा कैसे बना, आप देखिए पीछे स्लाइड में शो हो रहा है कि एक फ्रेम पूरा शो हो रहा है, इस फ्रेम में देखिए 9 रो है और 270 कॉलम है, 9 रो और 270 कॉलम है, हर एक 270 और 9 कॉलम के साथ जो हमारा ये पूरा का पूरा एक एक्सेल शीट टाइप का बन रहा है, हर एक जो ब्लॉक है वो एक बाइट के बराबर है, एक बाइट के अंदर होते हैं 8 बिट। यदि आप 9 को 270 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बाइट के अंदर हमारे 8 बिट हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, और जैसा कि हमें ध्यान है कि सैम्पलिंग थ्योरम के अंदर, नाइक्विस्ट थ्योरम कहें या सैम्पलिंग थ्योरम कहें, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा PLCC के अंदर जो हम यूज कर रहे हैं 0 से 4 kHz तक का नाइक्विस्ट थ्योरम, ये कहती है कि किसी अगर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो उसका जस्ट डबल फ्रीक्वेंसी, उसके डबल स्विच लगा दिया जाए, यानी कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो यदि हम उसके आगे एक ऐसा स्विच लगा दें जो 1 सेकंड में 8000 बार, यानी कि 4 kHz हमारी फ्रीक्वेंसी, यानी कि 8 किलो, यानी कि 8000 टाइम यदि हम उसको ऑन ऑफ करेंगे तो वो एनालॉग सिग्नल आसानी से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। तो 8000 उसका 8000 जो हमारा 64 KBPS की बात करते हैं वो भी इसी टाइप से निकलता है कि 8000 हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है और एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 8 × 8000 यानी 64 KBPS का बेसिक डेटा हमारा रहता है। तो STM-1 की जो हम बात कर रहे हैं उसमें जो 155 MBPS का डेटा है उसमें 9 × 270 × 8 × 8000 हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है। आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए बन रहा है 155 MBPS, 155 MBPS हमारा STM-1 का डेटा है। यदि आप STM जो SDH PDS टेक्नोलॉजी थी, बात हम SDH की कर रहे हैं, PDS तो प्लेसिक्रोनस डिजिटल हायरार्की है,
जो कि सिंक्रोनस नहीं थी, तो पूरी तरह सक्सेस भी नहीं हो पाई। एसडीएस सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की थी, जो कि एक सेंट्रल क्लॉक रहती है, उसी से ऑपरेट रहता है ताकि डेटा जिस समय हमारा यहाँ चला उसी समय डेटा वहां पे पहुंचता है। तो सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की के अंदर STM64 तक मैक्सिमम इसको यूज किया गया। तो आपको जो मैंने बताया STM1 का मतलब है 155 Mbps डेटा, 155 Mbps डेटा को आप 64 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 155 × 64 ये हमारा लगभग आता है 10 Gbps डेटा, 10G यानी कि 10G का डेटा आ गया। 1 सेकंड के अंदर 10G bit यानी कि 10G bit ट्रांसमिट हो रही है। तो STM1 STM64 का ये फंडा है। कुछ जगह ये कंफ्यूजन रहता है कि STM1 STM64 क्या होता है, शायद मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। STM1 STM64 SDS टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, परंतु हम DWDM की बात कर रहे हैं। अगर हमें 10G का डेटा STM64 डेटा हमें मिल रहा है, यानी कि ये कुछ जरूरी नहीं है कि DWDM लगा दे तो SDH नहीं लगेगा। हो सकता है जैसे मान लीजिए RVPN के अंदर 220 KB GSS है और किसी ऐसी संस्था है आसपास में या कोई ऐसा ऑफिस है जिसके पास ऑलरेडी SDH लगा हुआ है, परंतु वो डेटा अपना जयपुर तक भेजना चाह रहा है पर वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो वो हमें क्या करेगा, 10G का डेटा यानी कि STM64 का डेटा ऑप्टिकल फॉर्म के अंदर वो हमारे DWDM के अंदर ले आएगा। यानी कि उसकी फाइबर क्या हुआ, एक ऑफिस मान लीजिए मेरे सूरत का 220 KV GSS से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, तो वहां से क्या होगा, उसके पास SDH लगा हुआ है, उस SDH के डेटा को हम 10G का डेटा यानी STM64 का डेटा उसके पास है, उसकी जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी, जो OFC होगी या OPGW होगी या किसी भी तरीके से वो डेटा मेरे कंट्रोल रूम तक अगर लेके आता है, तो मैं यहाँ पे अपने SFP के अंदर जो मेरा DWDM लगा है SFP के अंदर मैं डेटा अपना फीड करता हूँ, तो वो उसको एक उस पर्टिकुलर कस्टमर को 1 लैम्डा मेरे DWDM के द्वारा अलॉट कर दिया। जैसा मैंने आपको DWDM बताया, RVPN में जितने भी DWDM यूज किए जा रहे हैं इसमें 88 लैम्डा का फंक्शन दिया गया है। दो कार्ड है, एक कार्ड में 40 लैम्डा, दूसरे कार्ड में 48 लैम्डा, तो बड़ी आसानी से हम 88 लैम्डा को ट्रांसफर कर सकते हैं। परंतु जो आज की हमारी स्थिति है RVPN के अंदर जैसा है, हमारे पास इतना डेटा भी नहीं है। अगर हम बात करें 10G की स्पीड का, तो मतलब बहुत ज्यादा डेटा हमारे पास हो गया। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने आपको चीजें बताई ये मैक्सिमम DWDM से जुड़ी हुई है। CWDM भी आपको मैंने डिस्कस किया, परंतु CWDM का इतना नहीं रहता है, मेन अपन DWDM पे ही बात कर रहे हैं, OADM पे बात कर रहे हैं, MPLS पे बात कर रहे हैं, यही सिस्टम हमारे RVPN में लगे हैं। और हम लोगों की पूरी कोशिश रहे कि हम लोग इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट रखें, इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो कुछ सीखने को भी मिलेगा, नई टेक्नोलॉजी है, PLCC विंग में रहते हुए आगे सर्वाइव करने के लिए हम इसे सिस्टम से जुड़ना हमें बहुत जरूरी है। अगर MPLS DWDM की टेक्नोलॉजी को पूरी तरह समझ लें, उसमें काम करना स्टार्ट कर दें, तो शायद PLCC का सुखद भविष्य होगा।